ये कहानी एक YouTube ब्लॉगर की है जिसने मुझे अपनी साथ हुई घटना के बारे में बताया। उसके साथ बीती घटना को कहानी के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। मनीष एक YouTube ब्लॉगर है। वह अक्सर नई नई जगहों में अपनी बाइक से ट्रेवल करता है और सफर का वीडियो बनाता है। यही उसका शौक भी है और पेशा भी। उसके YouTube में अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं और जहां से उसकी अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। एक दिन मनीष हल्द्वानी से मुनस्यारी के लिए सोलो ट्रिप पे निकला। उसके पास उसकी हीरो एक्सपल्स 200 थी, जिसके पीछे उसका एक बड़ा बैग बंधा हुआ था। उस पर वो अपना कुछ सामान जैसे कैंपिंग के लिए टेंट, स्लीपिंग बैग, पोर्टेबल गैस स्टोव, खाने पीने का सामान और कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए था। आगे टैंक बैग में कैमरे का सामान और उसका मोबाइल जिस पे वो GPS इस्तेमाल कर रहा था। हेलमेट पे लगा उसका GoPro रास्ते की सभी खूबसूरत दृश्यों को रिकॉर्ड कर रहा था। रास्ते में वीडियो शूट करने के लिए अच्छी अच्छी जगहों पे वो रुका और कुछ अच्छी वीडियोस और टाइमलैप्स वगैरह उसने शूट किए। इसी वजह से उसे काफी लेट हो गया था। अंधेरा भी काफी हो चुका था। उसे जहां पहुंचना था वो जगह अभी काफी दूर थी। वो मुनस्यारी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में अकेले बाइक से सफर कर रहा था। सड़क पतली थी, जिसके एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची पथरीली चट्टानें। चांद की रोशनी काफी थी। आसमान में तारे एकदम साफ और बड़े बड़े नजर आ रहे थे, मानो जैसे वो अंतरिक्ष की सैर कर रहा हो। बाइक की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क भी दूर दूर तक एकदम साफ नजर आ रही थी। मनीष के हेलमेट पे लगा GoPro सब रिकॉर्ड कर रहा था। तभी मनीष को सामने रोड किनारे कैंपिंग के लिए एक अच्छी सपाट जगह दिखी। उसने वहीं पास में कुछ मकान भी देखे तो उसने बाइक रोड किनारे उसी सपाट जगह में डाल दी। बाइक पार्क करके उसने आसपास देखा। कुछ ही दूर में कुछ मकान दिखे। मकानों में अंधेरा था, सब शायद खा पी के सो चुके थे। उसने सोचा यहीं पे कैंपिंग कर लेता हूँ। गाँव वालों से परमिशन लेनी चाहिए, मगर सबके घरों में अंधेरा है। कल सुबह जाके बता दूंगा। उसने बाइक की लाइट्स ऑन रहने दी और अपना व्लॉगिंग कैमरा निकाल के शूट करने लगा। तो फ्रेंड्स, मुझे एक अच्छी जगह मिल गई है। आज की रात यहीं पे टेंट लगा के कैंपिंग करूंगा। अच्छा है, होटल के पैसे बच जाते हैं सेल्फ कैंपिंग करके। वैसे आसपास 2-3 घर भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे इस तरह बिना किसी की इजाज़त और जाँच पड़ताल किए किसी भी जगह पर कैंपिंग नहीं करनी चाहिए, मगर कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अभी बहुत दूर जाना है और अंधेरा काफ़ी हो चुका है, इसलिए यहीं पर एक हॉल्ट लेना ज़रूरी है। चलो अब टेंट लगाता हूँ, उसके बाद मैगी बना के पेट पूजा की जाएगी। मनीष कैमरे को टाइम लैप्स मोड में सेट करके ट्राइपॉड में लगा देता है। एक छोटे ट्राइपॉड में एक USB बल्ब लगा के बाइक की हेडलाइट्स ऑफ कर देता है और टेंट लगाने लगता है। सोने का बढ़िया बंदोबस्त करके वो अपने बैग से गैस स्टोव निकालता है और एक सॉस पैन और 2 मैगी के पैकेट्स। गैस स्टोव सेट करके पतीले में पानी डाल के वो मैगी बना लेता है और ये सब वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, बन चुकी है मैगी और अब पेट पूजा का टाइम हो गया। अब मैगी निपटा के मिलता हूँ। मैगी खा के बर्तन साइड रख के अपने कैमरा ट्राइपॉड समेट के टेंट के अंदर घुस जाता है। हे फ्रेंड्स, बहुत तेज नींद आ रही है। आज का सफर तो यहीं समाप्त होता है। अब कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। मनीष कैमरा ऑफ करके सो जाता है। दिन भर की थकान की वजह से उसको तुरंत ही नींद आ जाती है। अचानक रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज के साथ उसकी नींद टूटती है। आवाज उसी तरफ से आ रही थी जहां वो कुछ घर थे। बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी। मनीष को लगा कि बच्ची बेड से गिर गई होगी या उसने कोई बुरा सपना देखा होगा तभी रो रही है। मनीष ने फिर से सोने की कोशिश की, मगर बच्ची चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनीष ने अपना मोबाइल निकाला और अपना वीडियो शूट किया। ए गाइस, रात के करीब 12 बज चुके हैं और पास के घर पे एक बच्ची ने रो रो के नाक में दम कर रखा है। आप लोगों को भी उसकी आवाज़ आ रही होगी। सोचो, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए कैसी कैसी यातनाएं झेलता है आपका मनीष। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक करो और नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं कोशिश करता हूँ फिर से सोने की। सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। ऐसा कह के मनीष वीडियो ऑफ कर देता है। बच्ची अभी भी रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ पूरी वादी में गूंज रही थी। कभी आवाज़ हल्की हो जाती, कभी तेज़। मनीष को रात भर कच्ची कच्ची नींद आई। सुबह रोड में एक गाड़ी के गुजरने की आवाज़ के साथ मनीष की नींद खुली। मोबाइल में टाइम देखा तो 6 बज रहे थे।
मनीष उठा, अपने बैग से टूथब्रश निकाला और ब्रश करने टेंट से बाहर आ गया। ब्रश करते करते उसने आसपास नजर घुमाई तो देखा जो 25-30 मीटर की दूरी पे जो घर थे वो टूटे हुए थे। उसने पास जाके देखा तो वो मकान एकदम खंडर बने हुए थे। बरामदों में झाड़ियां उगी हुई थी, मानो कई सालों से वहां कोई आया ही नहीं। मनीष ब्रश करते करते आगे गया तो उसने देखा वहां पे पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा हुआ है। मनीष ने आसपास देखा, शायद और घर दिख जाएं, मगर वहां पे दूर दूर तक कोई घर नहीं था। मनीष वापस आके फ्रेश हुआ और सारा सामान समेट के बाइक में बांधा और मुंसियार की ओर रवाना हो गया। कुछ किलोमीटर दूर जाके उसने एक चाय की दुकान देखी। चाय और नाश्ता करने के लिए मनीष वहां रुका। उसने एक चाय और बंद ऑमलेट ऑर्डर किया। कैमरा निकाल के वीडियो शूट कर रहा था, तब तक दुकानदार उसकी चाय और बंद ऑमलेट ले आया। मनीष ने कैमरा ऑफ करके चाय पीते पीते दुकानदार से पूछा, भाई साहब ये जो पीछे गांव है करीब 10 किलोमीटर पीछे, वहां पे कोई रहता नहीं है क्या? दुकानदार बोला कि 10 किलोमीटर पीछे तो कोई गांव नहीं है। तो मनीष ने उसे उन मकानों के बारे में बताया जहां वो सुबह गया था। तो दुकानदार समझ जाता है कि मनीष किस गांव की बात कर रहा है और वो बताता है कि वहां बहुत साल पहले कुछ घर हुआ करते थे, मगर एक बरसात में भूस्खलन में सब बर्बाद हो गया। कुछ घर भूस्खलन में चले गए और जो बचे हुए थे उनमें रहने वाले लोग भी घर छोड़ के चले गए। मनीष बताता है कि कल रात उसने वहां किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। तो दुकानदार हंसता है और बोलता है कि आपने किसी सियार को रोते सुना होगा, सियार कभी कभी बच्चों की तरह रोते हैं। मनीष को यह बात हजम नहीं हुई। उसने अपना फोन निकाला और रात की वो फुटेज चेक की जो रात को उसने रिकॉर्ड की थी, जब रोती बच्ची की आवाज सुनकर उसकी नींद खुली थी। वो वीडियो प्ले करता है तो उसमें सिर्फ मनीष की आवाज होती है, किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं होती। मनीष हेडफोन लगा के फिर सुनता है, मगर उसे वीडियो में उसकी आवाज के अलावा किसी और की आवाज नहीं सुनाई देती। मनीष रात की घटना के बारे में सोचते सोचते अपनी चाय और बंद ऑमलेट खत्म करता है और मुंसियार की ओर रवाना हो जाता है। दिन भर व्लॉग्स बना के रात को एक होटल में रूम ले लेता है। डिनर करके वो अपना लैपटॉप निकाल के वीडियो एडिट करने बैठता है। सफर में रिकॉर्ड किए सारे वीडियो फुटेजेस चेक करता है। अचानक एक वीडियो फुटेज पे उसकी नजर रुक जाती है। वो रिवाइंड करके वीडियो फिर चलाता है। ये वीडियो फुटेज पिछली रात का था। वो तब का टाइम लैप्स था जिसमें मनीष कैंपिंग टेंट लगा रहा था। मनीष ने वीडियो को स्लो किया तो उसने देखा वीडियो में मनीष टेंट लगा रहा है और एक छोटी बच्ची उसकी पीठ के पीछे से चलती हुई उन मकानों की ओर अंधेरे में कहीं गुम हो गई। मनीष को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बार बार वीडियो देख के उसे यकीन हो गया कि वीडियो में वो बच्ची सच में थी और रात को रोने की आवाज जो उसको सुनाई दी थी वो भी सच था। मनीष ने कसम खाई कि दोबारा अकेले कैंपिंग नहीं करेगा। एक और दिन मुंसियारी में बिताने के बाद अगले दिन वो दूसरे रास्ते से हल्द्वानी वापस आ गया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।